हमारी याद आएगी, हमारी याद आएगी, हमारी याद तो अभी तक ये मेरे साथ डीएन मधोक साहब चल रहे हैं। डीएन मधोक साहब की वजह से मैं इस लाइन में आया, मेरा तारुफ हुआ, डीएन मधोक साहब ने मुझे मौका भी दिलवाया और फिर उसके बाद कारदार प्रोडक्शन की बुनियाद पड़ी। कारदार प्रोडक्शन में मधोक साहब मेरे साथ थे, वही गीत लिखते थे, तो मधोक साहब के साथ कई फिल्में कारदार प्रोडक्शन में की और यहाँ तक कि मधोक साहब घोड़ा गाड़ी उस वक्त चलती थी बम्बई में, तो घोड़ा गाड़ी पर रात को बैठ जाए, हाँ भाई चलो वो गाना लिखना है साहब, सारी रात घोड़ा गाड़ी चल रही है और साहब सुबह होते वापस आते थे और वो गाड़ी में सो जाएं। एक दफ़े तो क्या हुआ कि मधोक साहब गाना लिख रहे हैं और सो गए, हम भी सो गए, आँख खुली तो अस्तबल में बंद थे, देखा तो घोड़ा भी नहीं है, अरे मधोक साहब कहाँ गए थे, देखिए घोड़ा भी नहीं, अरे घोड़े वाले तो वो आया चिलम पीता हुआ, क्या साहब, अरे घोड़ा कहाँ है, तुमने कहाँ बंद कर दिया, बोले साहब जानवर था कहाँ तक चलता, हम लोग हम समझे कि तुम लोग का घर वर कुछ नहीं है तो इसलिए हमने घोड़ा खोल दिया, तो अरे नहीं नहीं चलो चलो, फिर घोड़ा उसने भाई लगाया और वो फिर गाना लिखना शुरू किया उन्होंने। वो गाना था पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा उसको जाके ला, सुरैया को मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस गाने से एज प्लेबैक सिंगर, महताब के लिए ये प्लेबैक सुरैया से मैंने गवाया था और वो फिल्म थी शारदा। तो मधोक साहब ने शारदा, नमस्ते, कानून, संजोग, गीत, ये कई पिक्चरें मेरे साथ कारदार प्रोडक्शन में की। तो मधोक साहब के साथ मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा। शकील साहब से मेरी मुलाकात एक मुशायरे में हुई, पंजाब एसोसिएशन का मुशायरा हुआ करता था बम्बई में भिंडी बाज़ार में, और बहुत आलीशान वो मुशायरा होता था, उसमें पंजाब से, यूपी से, बंगाल से तमाम मशहूर व मारूफ शायर तशरीफ़ लाते थे। तो शकील साहब, मजरू साहब, खुमार साहब भी उसी मुशायरे में शरीक थे, तो उस मुशायरे से हमने शकील साहब को, मजरू साहब को, कुमार साहब को चुना और कारदार साहब से इनकी मुलाकात कराई। उस वक्त कारदार साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, दर्द उस फिल्म का नाम था, मुस्लिम सोशल फिल्म थी, तो मैंने कहा आप इनसे लिखवाइए, ये बड़ी अच्छी गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं, गीत भी कहते हैं। तो वो पहली फिल्म शकील साहब के साथ मेरी हुई और उसमें एक लड़की ओबा देवी जिसका नाम था, दिल्ली से आई थी, उसको भी मैंने कारदार प्रोडक्शन में रखाया था। वो बड़ी अच्छी आवाज़ थी उसकी, बेचारी को कोई पूछता नहीं था, तो मैंने उसको भी उसी कंपनी में नौकर रखाया था और उससे पहला गाना दर्द में गवाया, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, जिसको आज आप टुन टुन कहते हैं, वही ओमा देवी थी। तो उसमें मैंने हीरोइन के गाने टुन टुन से गवाए थे और उसमें सुरैया भी थी, एक दो लड़कियाँ रोल कर रही थी, दो हीरोइन थी, तो उसमें एक सुरैया भी थी। सुरैया के गाने मैंने सुरैया से गवाए थे और मुनव्वर सुल्ताना के गाने टुन टुन से गवाए थे। तो ये पहली फिल्म दर्द, ये शकील साहब की मेरे साथ हुई थी। फिर शहजहाँ फिल्म में मजरू साहब ने गीत लिखे और पहला गीत क्या वो गज़ल है, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम ज़माना, ये कुंदन लाल सहगल के लिए ये लिखा था उन्होंने। वो जन्नत का जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे, कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नज़ारे। तो बहरहाल ये मजरू साहब से इब्तदा हुई हमारे यानी साथ गीत लिखने की, और मजरू साहब को
फिर उसके बाद महबूब प्रोडक्शन में अंदाज फिल्म महबूब साहब बना रहे थे, वहाँ भी हम मजरू साहब को ले गए, तो महबूब साहब की फिल्म अंदाज में भी मजरू साहब ने गीत लिखे। उसके बाद मजरू साहब का साथ टूट गया था हमारा उनका साथ, इसलिए कि वो कुछ तरक्की पसंद तहरीक में शामिल थे, तो वो गिरफ़्तार हो गए थे। कुछ सियासी नज़्म वगैरह उन्होंने लिखी थी जो जिसमें उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया था। तो फिर हम शकील साहब के साथ करते रहे, खुमार साहब ने भी मेरे साथ काम किया, लेकिन खुमार साहब ज़्यादातर मुशायरों को पसंद करते थे, तो घड़ी घड़ी वो भाग जाते थे मुशायरों में, कभी दिल्ली चले गए तो कभी कलकत्ता चले गए। और यहाँ ऐसा होता कि भाई कल रिकॉर्डिंग है तो आज सामने होना चाहिए आदमी, तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी मुशायरों से रही। देखिए शकील साहब जहाँ तक ताल्लुक़ है अदबी शायरी का, वो अच्छे गज़ल गो थे, बड़े अच्छे शेर कहते थे और उनकी गज़लें विरत ज़बाँ होती थी। उनकी गज़लें बेगम अख्तर ने भी काफ़ी गाई, उनकी गज़लें गाने वाली गज़लें होती थी, महज़ अदबी नहीं होती थी, गाने वाली गज़लें भी होती थी। कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जो ज़रा अदक होती हैं, जिसमें तरन्नुम नहीं होता है, शायराना तहदारी ज़रूर होती है। तो शकील साहब की गज़लें जो होती थी वो उनमें तरन्नुम भी होता था, मतलब ही गाने के लिए भी अच्छी होती थी। गीत का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने आके हमारे साथ ही शुरू किया, इससे पहले वो गीत वगैरह नहीं लिखते थे, तो हमारे साथ ही उन्होंने शुरू किया। तो ये समझिए कि हमारा उनका जो साथ रहा तकरीबन 20 साल तक रहा, शायद इतना अरसा वो अपने वालिद के साथ भी नहीं रहे होंगे जितना अरसा वो मेरे साथ रहे। इसी घर में वो मेरे साथ सारा दिन सुबह से रात तक रहते थे और लगन से दिल से लिखते थे, मतलब ये कि इसके लिए नहीं कि मुझे पैसे मिलेंगे, बल्कि इसके लिए कि अच्छा काम हो।